प्रफुल्ल पुंडरीकाक्ष लवणाब्दीततामृतः गुटीकोदारमां पाहि नाना भोग पुरंदरः निजाधर सुधादायिन इंद्रद्युम्न प्रसादितः सुभद्रा ललना व्याघ्र रामानुज नमोस्तुते। अभी रथ यात्रा की महात्मा का एक श्लोक है, सब लोग जोर से बोलिएगा तो रथ यात्रा में सम्मिलित होने का फल मिलेगा। गुंडीचा रथ यात्रा दी, और कोई नहीं बोल रहे अभी तक, और दूसरी बार मैं दोहराता हूँ, जोर से बोलिए, गुंडीचा रथ यात्रा दी महोत्सव विवर्धन भक्त वत्सल वंदे त्वं गुंडीचा रथ मंडनम भक्त वत्सल वंदे त्वं गुंडीचा रथ मंडनम। और जगन्नाथ के सबसे सुंदर प्रार्थना अभी हम गाएंगे। ये प्रार्थना जगन्नाथ की अद्भुत स्तुति है, इसमें जगन्नाथ के दोनों भाव आ जाते हैं, दीन दयालु भाव और विप्रलंब भाव। तो सब मेरे पीछे बोलेंगे, दीन हीन महानीच दयाद्री कृत मानस नित्य नूतन महात्म्य दर्शन चैतन्य वल्लभ। हमारी सबकी स्थिति ये है, दीनहीन महानीच हमारी स्थिति है, क्योंकि हमारा जन्म कलयुग में हुआ है। इसीलिए हमें जगन्नाथ के सामने आके ये प्रार्थना करनी चाहिए, और एक बार बोलेंगे, दीनहीन महानीच दयाद्री कृत मानस नित्य नूतन महात्म्य दर्शन चैतन्य वल्लभ। तो मैं उस जगन्नाथ स्वामी को प्रणाम करता हूँ जो भक्तों का आनंद बढ़ाने के लिए और स्वतः का आनंद बढ़ाने के लिए रथ गुंडीचा रथ यात्रा में विराजमान होते हैं और खुद वृंदावन धाम की ओर जाते हैं। स्कंद पुराण में बताया गया है कि रथ यात्रा की शुरुआत आज से 160 करोड़ साल के पहले हुई। कितने साल? 160 करोड़ साल के पहले रथ यात्रा की शुरुआत हुई। स्वारोचि मन्वंतर का समय था, अभी वैवस्वत मन्वंतर चल रहा है, सातवां मन्वंतर चल रहा है। तो इंद्रद्युम्न राजा ने जगन्नाथ का मंदिर स्वयंभू मन्वंतर में बनाया और वो ब्रह्मा को बुलाने के लिए गए, जब तक वापस आए जगन्नाथ का प्राण प्रतिष्ठा के लिए तब तक दूसरा मन्वंतर चालू हो गया था, स्वारोचि से मन्वंतर शुरू हो गया था। ये जगन्नाथ की रथ यात्रा के कई नाम है, इसको कहते हैं महावेदी यात्रा, इसको कहते हैं गुंडीचा यात्रा, वृंदावन यात्रा, शोभा यात्रा, विप्रलंब यात्रा, कई कई प्रकार की यात्राएं कहते हैं इसको। और स्कंद पुराण में रथ यात्रा की महिमा
एक्चुअली हाँ भगवान इसका रथ यात्रा का और एक नाम है जन्म यात्रा। आपको पता है रथ यात्रा को जन्म यात्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि जगन्नाथ जी का प्रागट्य हुआ गुंडीचा में, जो विश्वकर्मा इंद्र का महाराणा था उसने जगन्नाथ को कहाँ बनाया? गुंडीचा मंदिर में बनाया। इसलिए जगन्नाथ अपने जन्म स्थान को देखने के लिए जाते हैं जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर में। आप अपने जन्म स्थान में जाते हैं ना कभी कभी, तो भगवान को देखने की बहुत इच्छा होती है, इसलिए भगवान जन्म स्थान को देखने के लिए जाते हैं गुंडीचा में और भगवान ये उत्सव को मनाते हैं। और इंद्रद्युम्न महाराज की जो पत्नी थी, एक्चुअली इंद्रद्युम्न को भगवान ने आकाशवाणी किया कि तुम मेरे लिए जगन्नाथ का मंदिर बनाओ, तुम मेरे लिए जगन्नाथ का मंदिर है, ये वैकुंठ है, द्वारका है, कुरुक्षेत्र है, सब कुछ है। लेकिन भगवान बोले ये तो मेरा ऑफिस बना दिया लेकिन मेरा घर नहीं बनाया। हमको दो वस्तु चाहिए, घर और ऑफिस। तो जगन्नाथ जी का ऑफिस बना दिया इंद्रद्युम्न राजा ने, तो जगन्नाथ जी का घर कौन बनाएगा? इंद्रद्युम्न महाराज की पत्नी, उसने उनका नाम था गुंडीचा देवी। भगवान ने आकाशवाणी किया, हे गुंडीचा तुम मेरा घर बनाओ, वृंदावन धाम, मैं वहां हर साल में जाऊंगा रथ यात्रा में, रथ में बैठ के, क्योंकि मैं ऑफिस में रह के ऐश्वर्य लीला का भोग करता हूं, लेकिन मुझे ब्रज लीला माधुर्य लीला का आस्वादन करना है। तो इसलिए रथ यात्रा को कहते हैं पतित पावन महोत्सव, ये रथ यात्रा का दूसरा नाम। सब याद रखिएगा, मैं आपको अंत में पूछूंगा रथ यात्रा के कितने कितने नाम है। पतित पावन महोत्सव रथ यात्रा का नाम है, क्योंकि यहाँ जो हिंदू नहीं है उन लोगों को भी जगन्नाथ को देखने का सौभाग्य मिलता है। जगन्नाथ के मंदिर में हिंदू के सिवा कोई नहीं जा सकता है, लेकिन जगन्नाथ बाहर आ जाते उनके लिए। और जो भी रथ यात्रा में सम्मिलित होता है उसके सब पापों का नाश हो जाता है, उसको मुक्ति मिलती है और अंत में उसको वैकुंठ मिलता है, गोलोक भगवान का सानिध्य मिलता है। सारूप्य सामिप्य साष्टी सालोक्य, चार प्रकार की मुक्तियां मिल जाती हैं, उसकी हथेली में आ जाती है जो रथ यात्रा में सम्मिलित होता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत कृपा करके, प्रभुपाद जी के गुरु जी भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, उनका भी यही इच्छा था कि हर एक शहर में नगर में गांव में जगन्नाथ का रथ यात्रा हो, क्योंकि जो पुरी में नहीं आ सकता है जगन्नाथपुरी में, वो जगन्नाथ का सामने आएगा अपने गांव में, अपने देश में रह के जगन्नाथ के सामने खड़ा रहेगा और रथ खींचेगा तो और भी फायदा होगा। मेरे परम गुरु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे कि जगन्नाथ को देखने की कोशिश मत करो, जगन्नाथ को हम नहीं देख सकते हैं, वो तो महाभाव प्रकाश है, महाभाव स्वरूपिणी राधा को ढूंढ रहे हैं। तो उनको ढूंढने की कोशिश मत करो उनको देखने के लिए, लेकिन जगन्नाथ के सामने आओगे तो जगन्नाथ हमको देखेंगे। इसको देखेंगे, हमको देखेंगे, हम जगन्नाथ को नहीं देख सकते। बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं वो जगन्नाथ को देख सकते हैं। तो इसीलिए इस भाव से हमें रथ यात्रा में सम्मिलित होना है कि हम सब पतित हैं और हम पावन होने के लिए आए हैं जगन्नाथ, और जगन्नाथ की सेवा ये रथ यात्रा में जो रस्सी खींचता है वो सबसे बड़ी सेवा करता है भगवान। क्यों? सब सेवाओं में सबसे बड़ी सेवा है जगन्नाथ रथ यात्रा में सम्मिलित होना, ये क्यों सबसे बड़ी सेवा है कोई बता सकता है? भगवान सारी दुनिया को खींचते हैं तो हम साल में एक बार उनको खींचते हैं। एक्चुअली रथ यात्रा की लीला में भगवान को हमारी जरूरत है,
भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये जगन्नाथ स्वामी महाभाव प्रकाश में जब आ जाते हैं तो वो वृंदावन की ओर जा रहे हैं, भगवान कूर्म आकार बन जाते हैं कछुए की तरह। ये जगन्नाथ का जो आकार है उसको कूर्मेर आकार कहते हैं, जो कूर्म अवतार हुआ था ना भगवान का, उसके स्वरूप में भगवान महाभाव में आ जाते हैं तो उनका हाथ और चरण अंदर चले जाता है उनका शरीर का, और उनका जो मुख है वो बिल्कुल गोल बन जाता है कद्दू की तरह। जैसे ये चैतन्य चरितामृत ने कहा ये महाभाव का एक लक्षण है कि उनका मुख बहुत बड़ा हो जाता है, उनके हाथ अंदर चले जाते हैं। ये बहुत भाव हो रहा है जगन्नाथ को। एक्चुअली वेदों में बताया है कि ये स्वरूप है कि भगवान को सारे आठ भाव उनके शरीर में एक साथ आ रहे हैं, इसीलिए वो जगन्नाथ बन गए। अष्ट सात्विक विकार आठ भाव होते हैं भक्ति में, गला रुंध जाता है, आंख से अश्रु का प्रवाह निकलता है, दिल धड़कने लगता है, गला रुंध जाता है, बाल खड़े हो जाते हैं, ऐसे अष्ट सात्विक विकार हैं। तो पूरे आठ विकार अष्ट सात्विक भाव भगवान में एक साथ आ जाते हैं तब भगवान ये स्वरूप में आ जाते हैं। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। मतलब ये जो आप दर्शन कर रहे हैं बहुत दुर्लभ है, भगवान ने ये दर्शन किसी को नहीं दिया था जगन्नाथ का स्वरूप। लेकिन एक बार 50 साल बीत गए, भगवान द्वारका में एक महल से बाहर आए और जैसे ही महल से बाहर निकले भगवान बोले राधे 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 राधे, उनको राधा का स्मरण होने लगा और भगवान बेहोश हो गए, भगवान जमीन पे गिर गए, समाधि में चले गए। 50 साल से वो वृंदावन में नहीं गए थे, 11 साल की उम्र में वृंदावन छोड़ दिया। उन्होंने बलराम जी को भेजा बताने के लिए कि मैं आऊंगा वृंदावन, लेकिन बलराम जी खुद की रासलीला करके वापस आ गए। बोला मैं कृष्ण को भेजता हूं, लेकिन कृष्ण को नहीं भेजा। फिर उद्धव को भेजा कि कृष्ण आ रहे हैं बोलने के लिए, तो उद्धव गए वहां, गोपियों का प्रेम देख के उद्धव तो बिल्कुल मुग्ध हो गए, वो गोपियों को समझा नहीं पाए कि कृष्ण आ रहे हैं, उद्धव जी भी वापस आ गए। तो लेकिन कोई भी वृंदावन नहीं जा पा रहा है वापस, तो ब्रजवासी लोग इस आशा में जी रहे थे कि भगवान वापस आएंगे, हमारे नयन पथगामी भव तुम्हें, हमारी आंखों के सामने भगवान दृष्टि गोचर होंगे। उनके वियोग में सब जी रहे थे। उसके बाद में सुभद्रा ने बोला कि आप दोनों बलराम भी जाके आए उद्धव भी जाके आए, लेकिन इस बार मैं जाऊंगी वृंदावन में और मैं वृंदावन में बताऊंगी कि इस बार जरूर कृष्ण आए। इसलिए रथ यात्रा है, रथ यात्रा मतलब सुभद्रा देवी जा रही है वृंदावन, वृंदावन में ब्रजवासियों को बताने के लिए कि कृष्ण आ रहे हैं, मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। तो बलराम ने बोला सुभद्रा को कि मैं तुम्हारे आगे जाऊंगा, तुम संदेश वाहक हो भगवान की, इसलिए तुम्हारे आगे मैं जाऊंगा तुम्हारा पहरेदार बनके। इसलिए बलराम जी का रथ पहले चलता है। पूरी में तीन रथ होते हैं, यहाँ हम तीन रथ मुश्किल है बनाना, इसलिए एक ही रथ बनाए हैं तीनों के लिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने कलकत्ता में पहला रथ यात्रा किया था उनका, जब वो छोटे से बालक थे तब उन्होंने 16 खंभे लगा के एक छोटा रथ बनाया था। और अभी समय कम है, मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि सुबह का दीक्षा का कार्यक्रम था, इसीलिए तो संक्षिप्त में मैं बताऊंगा कि प्रभुपाद जी रथ यात्रा में एक सुंदर भजन गाते थे। वो बोलते थे कि कारो राई काम कमली नहीं की कार, ये राधिका देखो तुम्हारे कृष्ण अभी वृंदावन वापस आ रहे हैं इतने सालों के बाद, अभी तुम जागो कृष्ण का स्वागत करो, ये घनश्याम जिन्होंने आपके हृदय को चोरी कर लिया है वो घनश्याम वापस आ रहे हैं वृंदावन में। इस भाव से प्रभुपाद जी रथ को खींचते थे। तो रथ यात्रा
जो महामहोत्सव जगन्नाथपुरी में होता है उसके 15 दिन पहले स्नान पूर्णिमा आती है। स्नान पूर्णिमा मतलब जगन्नाथ जी का जन्मदिन है, उनका बर्थडे, स्नान पूर्णिमा। जब जहाँ जगन्नाथ दारू ब्रह्म के रूप में समुद्र में तैरते हुए आए थे चक्र तीर्थ में, और इंद्रद्युम्न राजा ने जगन्नाथ को उठा के गुंडीचा में स्थापना किया और विश्वकर्मा ने उनको बनाया था, तो वो दिन में जगन्नाथ बहुत दयालु हो जाते हैं और 108 सुंदर सुगंधी मटके में पानी भर के जगन्नाथ को बाहर लाया जाता है। और जगन्नाथ भगवान को ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा में पब्लिक में स्नान कराया जाता है। जगन्नाथ भगवान बाहर सबके सामने स्नान करते हैं। तो ये महाभाव प्रकाश लीला है। ये स्नान पूर्णिमा पूरी में बहुत सुंदर उत्सव होता है। उस समय में जगन्नाथ का जो दर्शन करता है वो मुग्ध रह जाता है कि भगवान का स्नान हो रहा है, 108 मटकों से स्नान हो रहा है और सुंदर रंग बिरंगी कपड़ों की छत्र उन्होंने धारण किए हुए हैं। उनके वो पानी में थोड़ा सा चंदन मिलाते हैं, भगवान को ठंडक देते हैं, क्योंकि रथ यात्रा के 15 दिन तक भगवान विरह में चले जाते हैं, विरह, वृंदावन के विरह में, अन्नवासर कहते हैं उधर। 15 दिन तक भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, राधे 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 बोल के वो वियोग में हो जाते हैं भगवान। इसलिए पहले ठंडे पानी से उनको स्नान कराया जाता है स्नान पूर्णिमा में, 15 दिन पहले भगवान को। और दैत्यपति जो है पुजारी, वो विद्यापति और ललिता, उसकी कथा बहुत लंबी है, आज मैं नहीं बता पाऊंगा। वो सबर राजा विश्वासु की पुत्री ललिता ने विद्यापति से विवाह किया था और उसके कृपा से इंद्रद्युम्न राजा को जगन्नाथ के दर्शन हुए थे। इसलिए जगन्नाथ जी राधा के भाव में बहुत व्याकुल हो उठते हैं। जगन्नाथ जी को 15 दिन तक नारियल का पानी पिलाया जाता। आज 15 दिन एंड हुआ, नारियल का पानी पिलाते हैं जगन्नाथ को, क्यों? नारियल का पानी से हम ठंडा होते हैं। कितना भी गर्म व्यक्ति हो नारियल का पानी पिलाएंगे तो उसका पेट ठंडा हो जाता है, तो इसीलिए जगन्नाथ को ठंडा करते हैं। और जो फल 15 दिन तक जो फल अर्पण करते हैं जगन्नाथ को, उसका छिलका नहीं निकालते। छिलका क्यों नहीं निकालते हैं? उसका भी एक कारण है कि जगन्नाथ जी जब वृंदावन में जाते हैं तो ऐसे ही वो वृक्ष के ऊपर से फल तोड़ के खाते हैं, उनको छिलका निकाल के नहीं देते। इसलिए 15 दिन तक अन्नवासर में जगन्नाथ जी को वृंदावन की याद दिलाने के लिए सब वैष्णव लोग ऐसी सेवा करते हैं। पूरी में भी 15 दिन तक आपको महाप्रसाद नहीं मिलेगा। रथ यात्रा के 15 दिन पहले जगन्नाथ को खाली नारियल का पानी और फल खिलाया जाता है। भगवान को खुद राधा के याद करते करते बुखार आ जाता है विरह में। उस प्रकार से दोपहर के टाइम में भगवान को हाथी का वेश पहनाया जाता है, सूंड के साथ। एक गणपति भक्त नाम का, गणपति भट्ट नाम का एक भक्त था, वो आया था पुरी में। वो खाली गणपति का भक्त था लेकिन वो राजा का मित्र था। तो बोला मैं खाली गणपति की दर्शन करता हूँ, मैं जगन्नाथ का दर्शन नहीं करूँगा। तो राजा ने बोला तुम आओ तो सही मंदिर में, मेरे प्रभु जगत के नाथ है, वो तुमको गणपति का स्वरूप भी दिखा देंगे। तुम्हारी जो इच्छा है वो मिलेगा दर्शन तुम्हें करने के लिए, सब कुछ मिलेगा। तो इसलिए जो वो गणपति भट्ट मंदिर के अंदर गया, उसने सर झुकाया और ऊपर देखा तो भगवान की सूंड आ गई, जगन्नाथ की काली सूंड और बलराम की सफेद। ये वेश अभी भी पूरी में होता है स्नान पूर्णिमा के दिन, बहुत सुंदर वेश होता है जगन्नाथ का। उसके बाद नारद पुराण में उत्कल खंड में बताया है कि अन्नवासर का जो समय होता है नव यौवन के पहले, जगन्नाथ स्वामी को दैत्यपति सबर, ये सब जो नीलमाधव के पुरातन पूजक थे, वो सब जगन्नाथ की सेवा में लगते हैं।
और दैत्यपति जगन्नाथ की सेवा करते हैं, श्री अंग सेवन उसको कहते हैं, श्री अंग सेवन। 15 दिन तक जगन्नाथ जी के स्वरूप की आराधना करते हैं, जूस पिलाते हैं जगन्नाथ को, फल का जूस और जड़ी बूटियां और ये सब लाके जगन्नाथ को सेवन के लिए देते हैं। जगन्नाथ का विरह वृंदावन के लिए और बढ़ता है। देखिए वृंदावन इतना महान धाम है कि जगन्नाथ को भी तैयारी करना पड़ता वृंदावन जाने के लिए। हम तो ट्रेन की टिकट लेके जा सकते हैं, लेकिन जगन्नाथ 15 दिन तक तैयारी करते हैं गुंडीचा जाने के लिए वृंदावन में। वो अपना भाव को बढ़ाते हैं राधा के सामने प्रस्तुत होने के लिए, यशोदा नंद बाबा के सामने जाने के लिए 15 दिन तक भगवान तैयारी करते हैं। फिर भगवान कहते हैं अपने सेवकों को, मुझे सजाओ, मुझे और रंग दो। तो सब सेवक भगवान को पूरा पेंटिंग करते हैं उनके शरीर को, इसलिए उसको नव यौवन कहते हैं। जगन्नाथ जी के काले और बलदेव को जो मोतियों के तरह सफेद रंग से उनका पेंटिंग होता है, और बलदेव जी को जो कोयले की तरह जो काला रंग होता है उससे जगन्नाथ जी का रंग होता है, और सुभद्रा का जो रंग है वो हल्दी का जैसा होता है। इस प्रकार से तीनों को पेंट किया जाता है 15 दिन तक। आपको पता है तीनों का ये रंग क्यों है? कोई बता सकता है तीनों का ये रंग क्यों है? तीनों एक रंग के क्यों नहीं है? ये संसार में ये सारे सृष्टि के नाथ है जगन्नाथ, सारे सृष्टि के नाथ है जगन्नाथ। और इस सृष्टि में तीन प्रकार के लोग हैं, काले लोग, गोरे लोग और पीले लोग। भारत के वासी और दूसरे देशों के, अफ्रीका के वासी सब काले हैं, और दूसरे देशों के लोग हैं गोरे, और दूसरे जो चाइना के देशों के लोग हैं उनको पीले, उनको पीला रेस बताया जाता है। तो भगवान दिखाना चाहते हैं कि सारे संसार के कोई भी रंग के हो, कोई भी जाति के, उन सबका मैं नाथ। इसलिए वो तीनों रंग में आते हैं, तीनों कलर में वो भगवान दर्शन देते हैं सब जीवों को। तो इसलिए जगन्नाथ का सुंदर वेशभूषा होता है, उनको रंग दिया जाता है, और दैत्यपति सब मिठाई खिलाते हैं जगन्नाथ को अन्नवासर में। और जगन्नाथ जी सबसे मुख्य कार्य करते हैं 15 दिन में, वो क्या है? वो अपनी पत्नी को मनाते हैं। उनकी पत्नी कौन है? हाँ, जगन्नाथ की पत्नी कौन है? कोई नहीं जानता। भगवान की पत्नी को नहीं जानेंगे तो आप भगवान के पास कैसे जाएंगे? भगवान की पत्नी का नाम है महालक्ष्मी। जगन्नाथ की दो पत्नियां हैं पुरी में, महालक्ष्मी और विमला। विमला वो वृंदावन की गोपी है, काम्य वन से आई है, वो भी जगन्नाथ। तो महालक्ष्मी रसोई करती है, जगन्नाथ खाते हैं, और विमला को सबसे पहला महाप्रसाद मिलता है। तो इस प्रकार से जगन्नाथपुरी में लीला होती है। तो महालक्ष्मी को छोड़ के प्रभु जगन्नाथ वृंदावन में राधा को मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन 7 दिन के बाद उनको वापस आना है, तो पहले पत्नी को मनाना पड़ेगा, नहीं तो दरवाजा बंद हो जाएगा। तो इसलिए 15 दिन तक भगवान महालक्ष्मी को मनाते हैं, महालक्ष्मी मुझे जाने दो, मुझे थोड़ा वेकेशन लेने दो, छुट्टी चाहिए मुझे भी, ऑफिस से छुट्टी चाहिए मुझे, घर में जाना है, वृंदावन में जाना है, ये मेरा घर है। लक्ष्मी है वो स्वकीय भाव में है, रुक्मिणी सत्यभामा, लेकिन राधा जी है वो परकीय भाव में है। तो परकीय भाव खाली वृंदावन में मिलता है, तो मुझे वृंदावन में जाना है। और भगवान बारंबार विनती करते हैं लक्ष्मी को, तो भी रिटर्न जब आते हैं भगवान, तो लक्ष्मी दरवाजा
तो ये जगन्नाथ भगवान को सब वृंदावन का भोग लगाया जाता है अन्नवासर में। तो इस प्रकार से भगवान पर की अरस का अनुभव करने के लिए इस रथ में बैठते हैं, रथ यात्रा में बैठते हैं और वृंदावन की ओर जाते हैं गुंडीचा में। और 15 दिन के बाद जब भगवान ने लक्ष्मी को मना लिया है, भगवान ने तैयारी कर लिया है, फिर 15 दिन के बाद दर्शन होते हैं भगवान के। उसको कहते हैं नयनोत्सव, नया नव यौवन दर्शन जो अभी हमें हो रहे हैं। मैं जरा भगवान को भोग लगा देता हूं। जगन्नाथ ठीक से खाएंगे नहीं तो रथ में नहीं बैठेंगे। तो हम कोई भी यात्रा में जाते हैं, गाड़ी में, ट्रेन में, तो हम पहले भोजन करके जाते हैं, है कि नहीं? खाली पेट में नहीं जाते हैं। वैसे जगन्नाथ जी को अनेक प्रकार के 56 भोग लगाए गए हैं ताकि भगवान रथ में बैठ के कंफर्टेबल, मतलब आराम से भगवान रथ यात्रा कर सकते हैं, भगवान वृंदावन के बारे में सोच सकते हैं। इस प्रकार से ये नयनोत्सव आज हमने किया है, इसको कहते हैं नव यौवन, क्योंकि राधा के स्मरण करके भगवान को एक नव यौवन मिल जाता है, नया सौंदर्य भगवान का बढ़ जाता है। मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ, ये सब नाम भगवान के इसलिए हैं क्योंकि राधा जी के संग में भगवान रहते हैं। और इस प्रकार से रत्न सिंहासन पे बैठ के भगवान नव यौवन दर्शन करते हैं। हमने आज उनके लिए गद्दी का सिंहासन बनाया है। तो भगवान भक्ति भाव को स्वीकार करते हैं, तो ये नव यौवन दर्शन अभी हुआ है। अभी उसके बाद महाआरती होगा और फिर पहंडी का उत्सव होगा, जहां जगन्नाथ स्वामी को झुला के रथ में लेके जाएंगे। जगन्नाथ स्वामी को झुलाते क्यों है रथ में ले जाने के टाइम, कौन बता सकता है? एक पैर आगे एक पैर पीछे, ऐसे झुला झुला के भगवान को रथ में लिया जाता है, गद्दी में, रुई की गद्दी के पैड में होता है। तो इस प्रकार से भगवान का सर ऊपर होता है और रुकाए बिना भगवान को लिया जाता है। एक्चुअली ये प्रभु तीन नहीं है, चार प्रभु हैं, सुदर्शन चक्र भी साथ में होता है भगवान के। तो क्योंकि इसका बड़ा गुह्य लीला है कि भगवान को जब राधा राधा करने लगे द्वारका में, तो नारद जी ने वीणा बजाया, ब्रज लीला बोला, तो रथ तैयार हुए तीन, भगवान वृंदावन में जाना चाहा। भगवान वृंदावन में बैठ के निधि वन में गए और निधि वन में राधा जी 50 साल तक समाधि में सोई हुई थी। राधा जी को आदिरुद्ध महाभाव हो गया था, आदिरुद्ध मादनाख्य महाभाव,
भगवान के वियोग में पांच पांच मिनट में उनके शरीर में चंदन लगाना पड़ता था, वो भी सूख जाता था। उनको कमल के शैया के ऊपर सोई हुई थी राधा जी, और भगवान को निधिवन में ले जाया गया, और निधिवन में भगवान राधा को देख के बेहोश हो गए। 50 साल के बाद भगवान ने राधा रानी को देखा, तब ये स्वरूप जगन्नाथ का स्वरूप प्रकट हुआ निधिवन में। इसलिए निधिवन धाम वृंदावन का बहुत सुंदर धाम है। और जब भगवान बेहोश हो गए, जगन्नाथ का स्वरूप प्रकट किया, तो वो कांपने लगे पहले तो, और ऐसे ऐसे हिलने लगे, ऐसे ऐसे हिलते हुए कांपते हुए भगवान जमीन पे गिर गए। इसीलिए भगवान को रथ यात्रा में ले जाते हैं तो झुला के ले गया, क्योंकि भगवान राधा को मिलने के लिए जब जाते हैं तब ढोलकते हुए कांपते हुए प्रेम से भगवान जाते हैं राधा को मिलने के लिए। उसको कहते हैं पहंडी। उसके बाद आता है चेरा पहंडरा। चेरा पहंडरा का हम यहाँ उत्सव करेंगे कि जगन्नाथ के रथ के सामने झाड़ू लगाया जाता है, तो चेरा पहंडरा कहते हैं। और चेरा पहंडरा में राजा आता है, हरे राम 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 हरे हरे। सबको बुला रहे हैं, घोषणा करना पड़ेगा। नित्यानंद गौरांग। तो बाद में जगन्नाथ जी के रथ के आगे झाड़ू लगाने के लिए संसार के बड़े बड़े हस्तियां आती हैं। उससे हमें पता चलता है कि जगन्नाथ की भक्ति में कोई भी सेवा तुच्छ नहीं है। भगवान का जो रास्ता साफ करना, वो भी वृंदावन के लिए। ये जो रथ यात्रा का जो रास्ता है, ये वैकुंठ और वृंदावन के बीच में का कनेक्शन है, रोड है, हाईवे। भगवान वैकुंठ से वृंदावन जा रहे हैं, तो वो रास्ता साफ करने का सौभाग्य किसको मिलेगा? गोलोक का रास्ता भगवान के लिए साफ करने के लिए वो झाड़ू ले लेते हैं। और सब भगवान के सामने सब सेवक हैं। अकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जारे जैचे नचाए तैचे करे नृत्य। एक ही स्वामी है कृष्ण, बाकी सब भगवान के दास। ब्रह्मा हो या शंकर हो या लक्ष्मी हो या इंद्र हो, सब भगवान के दास। भगवान जैसा कराते हैं वही करते हैं। तो इस प्रकार से सब और फिर जगन्नाथ जी के रथ में आगमन होता है। ये रथ की बहुत बड़ी लीला इतिहास है, मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा कि कलश होते हैं इसके, लकड़े के सारथी होते हैं, चार चार घोड़े और 14 प्रकार के देवताएं भगवान के रथ में होते हैं, और 12 और 19 साल के बाद जगन्नाथ के विग्रहों को बदलाया जाता है। 3 रथ को तैयार करने के लिए 125 महाराणा चाहिए, और कितने दिन लगते हैं 3 रथ को बनाने में? 58 दिन लगते हैं। अक्षय तृतीया से चालू होता है, चंदन यात्रा के समय से रथ को बनाना शुरू होता है, और 2188 लकड़े के टुकड़े से बनता है 3 रथ। जगन्नाथ का रथ 832 लकड़े के टुकड़े से बनता है, बलभद्र का रथ 763 लकड़े के टुकड़े से बनता है, और सुभद्रा का रथ 593 लकड़े के टुकड़ों से बनता है। जगन्नाथ जी के रथ में 16 पहिए हैं, बलभद्र के रथ में 14 पहिए हैं, और सुभद्रा के रथ में 12 पहिए हैं। जगन्नाथ जी के रथ का नाम है नंदी घोष, बलराम का तालध्वज और सुभद्रा का देवदलन या दर्पदलन इसका नाम है। जगन्नाथ जी का रथ लाल और पीला रंग का होता है, बलभद्र का रथ लाल और ग्रीन रंग का होता है, और सुभद्रा का रथ लाल और काले रंग का होता है। जगन्नाथ जी के रथ के सारथी हैं गरुड़, रक्षक हैं, वॉचमैन हैं गरुड़, और वसुदेव जी बलभद्र का रथ की रक्षा करते हैं,
और जय दुर्गा सुभद्रा के रथ की रक्षा करते हैं। सारथी है दारुक और बलभद्र के माताली, और सुभद्रा का रथ कौन चलाता है? सुभद्रा के पति कौन है? हाँ, अर्जुन। वो सुभद्रा के रथ के सारथी हो जाए तो अर्जुन भी हमारे साथ रथ यात्रा में आएंगे, वो भी सुभद्रा के रथ को चलाते हैं। तो तीन सारथी हो गए हैं जगन्नाथ के रथ के। और तीन भाग में हर एक रथ होता है, एक उसके पहिया और एक जहां चक्र होते हैं पहिए, जहां भगवान विराजमान होते हैं, और तीसरा है उसका डोम गुम्मट जो कपड़े से बनाया जाता है, कलश और कपड़े से। तो इस प्रकार से टोटल हाइट 250 फीट की होती है जगन्नाथ के रथ। तो इस प्रकार से जगन्नाथ का रथ अति सुंदर दिखता है, सुमेरु पर्वत जैसा विशाल दिखता है जगन्नाथ जी का रथ। और सब देवता आकाश से पुष्प वर्षा करते हैं जब जगन्नाथ जी अपनी रथ यात्रा को शुरुआत करते हैं। अगर कोई रथ में कोई तकलीफ आ गई रथ चलते समय, रथ का अगर चलाने का यंत्र टूट गया तो ब्राह्मणों को भोगना पड़ेगा, अगर उसका एक्सल टूट गया तो क्षत्रियों को भोगना पड़ेगा, और अगर उसका नीचे का बीम टूट गया तो वैश्य लोगों को तकलीफ होगा और रथ को चलने के टाइम में उसका योग टूट गया तो शूद्र लोगों को तकलीफ होगा। ऐसे अलग अलग रथ की सेवाएं हैं जो हमें करना है। तो इस प्रकार से रथ यात्रा में कम से कम 10 लाख 15 लाख सब देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता आ जाते हैं भगवान का रथ खींचने के लिए। इसलिए जगन्नाथपुरी का बीच बहुत बड़ा है, क्योंकि जगन्नाथपुरी का बीच है ना, वो एयरपोर्ट है, देवताओं का एयरपोर्ट। हर साल रथ यात्रा में 33 करोड़ देवी देवता स्वर्ग से लैंडिंग करते हैं, इसलिए जगन्नाथ के बीच को कहते हैं स्वर्ग द्वार। क्या कहते हैं? स्वर्ग द्वार। सब देवता लोग आते हैं, समुद्र में स्नान करते हैं, फिर जगन्नाथ का रथ खींचने को जाते हैं। इसलिए आज आपको वही सौभाग्य मिलेगा इधर पार्टी में बैठ के भगवान का रथ खींचने के लिए। बोलो जगन्नाथ स्वामी की, बलदेव प्रभु की, सुभद्रा देवी की जय। अभी 5 मिनट में आरती होगा, मैं कथा संपूर्ण करता हूँ। और इस प्रकार से रथ यात्रा की शुरुआत होती है, और जगन्नाथ जी के रथ का जो दर्शन करता है, नारद जी ने प्रहलाद को बताया कि जो भी जगन्नाथ को रथ यात्रा के समय में देखता है, ते यान्ति भवनम विष्णु, वो भगवान विष्णु के घर में चला जाएगा। बोलो जगन्नाथ स्वामी की। भगवान के घर में कौन जाना चाहता है? हम लोग जाना चाहते, एक हाथ नहीं दोनों हाथ ऊपर करने को। तो वो रथ यात्रा का फल मिलता है, और जो रथ यात्रा में आएगी और वो खड़ा रहता है, खड़ा हो जाता है, अपने आसन को छोड़ देता है और जगन्नाथ का स्वागत करता है, उसके व्यक्ति के शरीर के सब पाप खत्म हो जाते। उसको जगन्नाथ की महिमा पता है या नहीं पता है कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली खड़े होके जगन्नाथ का स्वागत करता है रथ का, तो उसके सब पाप खत्म हो जाते। जो जगन्नाथ को रथ पे बैठे हुए देखता है उसको मुक्ति मिलता है, पद्म पुराण में कहा, वो सीधा आध्यात्मिक जगत में जाता है। तो प्रभुपाद जी की यही इच्छा थी कि संसार में रथ यात्रा हर एक नगर में ग्राम में होनी चाहिए, सब जीवों को मुक्ति मिलनी चाहिए। जब भगवान रथ पे बैठते हैं तब एक प्रार्थना करना चाहिए, एक ही शब्द है वो बोलना चाहिए जो गौरांग महाप्रभु बोलते थे, वो कौन सा शब्द है? सब मेरे पीछे आप बोलिए, मणिमा 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 मणिमा। बहुत सुंदर है, बहुत मीठा शब्द है।
सब रेडी है। तो आरती अभी होगी जगन्नाथ की, और उसके पहले एक श्लोक हम सब बोलेंगे, सब मेरे पीछे धराइए। नमो ब्राह्मण्य देवाय, नमो ब्राह्मण्य देवाय, गो ब्राह्मण हिताय च, गो ब्राह्मण्य हिताय च, जगद्धिताय कृष्णाय, जगद्धिताय कृष्णाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। और राधा जी की प्रार्थना हम गाएंगे, मेरे पीछे बोली, सही तो पराण नाथ पाइनू, जहाँ लागी मदन दोहने जूरी गेनू। और एक बार बोलिए, राधा जी जगन्नाथ को ले जाती है रथ में, तब ये प्रार्थना करती है, सही तो पराण नाथ पाइनू, जहाँ लागी मदने दोहने जूरी गेनू। बोलो जय जय